नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जाने वाले मंदारगिरी। बेंगलोर से कुछ 80-85 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है, गाड़ी में पेट्रोल भराएंगे, फुल कराएंगे टैंक। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं वापस कि ये 17L पेट्रोल मोटर है, ऑटोमेटिक। तो इसका एक एवरेज टेस्ट भी कर लेंगे, काफी दिन हो गए। गाड़ी कुछ 4,500 किलोमीटर चल चुकी है, तो दोनों चीजें हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से गाड़ी वार्निंग देती है, पेट्रोल भरा लो वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। तो पूरा टैंक एम्प्टी है, फुल टैंक कराएंगे, फिर रीसेट करेंगे ट्रिप को, देखेंगे कि टैंक टू टैंक कितना है वैसे। रिटर्न में यहीं से भराएंगे, कोशिश करेंगे ये सेम नोजल से फिर रिफिल कराए, तो एग्जैक्टली सेम पता चलेगा। अभी तो एवरेज अगर देखेंगे बहुत ही घटिया एवरेज दिखा रहा है, 7.2 का, और केवल 14 किलोमीटर की रेंज बची है। तो टैंक रिफिल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फुल टैंक, तो टैंक को ऑटोकट तक फिल करवाएंगे। टैंक फुल कर दिया है, 586 की रेंज बता रहा है। इसको रीसेट करते हैं पहले, एवरेज रीसेट किया। और एक और जो चीज है, एयर प्रेशर भी कम है, तो एयर प्रेशर भी मैं एयर भी एक बार फिल कर देता हूँ, क्योंकि एवरेज टेस्ट करने के लिए टायर्स में हवा पूरी होनी चाहिए। व्हीकल इंच में 29 32 कराता हूँ मैं, फिर देखते हैं आगे। तो बी ट्रिप को रीसेट कर देते हैं। ये हो गई रीसेट 0 किलोमीटर। अब स्टार्ट करते हैं और मिलते रहेंगे बीच बीच में दोस्तों आपसे। तो मंदारगिरी हम जा रहे हैं, और ये जो जगह है हमको ज्यादा आइडिया नहीं है, बस ऐसे ही थोड़े हम देख रहे थे कि वीकेंड ट्रिप में कहाँ जा सकते हैं। तो थोड़ा मतलब ठीक लगा वीडियोस में, बहुत वीडियोस जो थे यूट्यूब पे, बस वो सिलेक्ट करके जा रहे हैं। वहाँ कैसा रहता है, एक चीज तो खराब हो गई है, धूप आ रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा अच्छा वेदर है, और ट्रैफिक अभी इनिशियली तो बहुत है। वहां जाके देखते हैं कैसा मिलेगा। दो तीन चीजें हैं वहां पे, एक तो पीकॉक टेम्पल है, एक हिल है और एक लेक है। तो ट्रैफिक तो बैंगलोर में फिर से अपने पीक पे आ गया है। एटलीस्ट पहले वीकेंड पे तो मिल जाती थी टाइम, थोड़ा ट्रैफिक कम मिलता था, बट अभी पूरा हाउसफुल चलता है रोड, ये देखो आप इस टाइम। अब ऐसे में काई तो अपन एवरेज टेस्ट करेंगे, काई गाड़ी एवरेज देगी। ट्रैफिक हो रहा है जम के, अभी आप इस गाड़ी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि टोटल अराउंड मैंने 50,000 का पेट्रोल इसमें डला दिया है, और ये कुछ 4,700 किलोमीटर चली है। तो देख लीजिए कितना ये पेट्रोल पीती है कार, तो हैवी ड्रिंकर है पेट्रोल के मामले में तो ये व्हीकल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
तो सब देख लिया हमने और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी जगह है, आप ज़रूर विज़िट करिए। अब 5:30 बज रही है और अभी जो एवरेज दिखा रही है गाड़ी 9 दिखा रही है। बेंगलोर जाके उसी पेट्रोल पंप से एक बार भरा के देखेंगे टैंक टू टैंक माइलेज में कितना एवरेज मिला। 125 की ट्रिप हो चुकी है, 125 किलोमीटर। आप इधर लाइए कैमरा थोड़ा। जी सर, ले आए। तो 125 की ट्रिप हो चुकी है और अभी तक 9.7। चलो थोड़ा तो सही हो रहा है वरना 9.7 थी। ठीक है, 9.7 का दे रही है अभी, फिर भी एक्चुअल देखेंगे टैंक टू टैंक मतलब फुल करा के कितना हुआ। एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, ऐसा नहीं सोचो कि हाईवे पे गए थे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चले मेरे हिसाब से मिलेगा। देखते हैं अब क्या देखेंगे। तो इस तरह का ट्रैफिक कुछ मुझको मिला रिटर्न में, आप देख सकते हैं। कई बार तो गाड़ी खड़ी रही मतलब बहुत देर तक, बहुत जाम पैक रोड थे, तो इसी हिसाब से जब निकालेंगे एवरेज तो देखेंगे कितना निकला। कम ही एवरेज मिलता है मुझको, मतलब अगर पूरा ही सिटी राइड रहता तो 7-8 और हाईवे पे होता तो 9-10 इतना ही एवरेज देती है XUV। आज ये टैंक टू टैंक रिजल्ट से कंफर्म भी हो जाएगा कि जो एवरेज ये कार दिखा रही है वही मिल भी रहा है एक्चुअली, या उससे भी कम मिल रहा है। तो कई बार बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी मिला रिटर्न में और जाते टाइम भी बहुत जाम था, तो इसी तरह हिसाब से रिजल्ट निकलेगा। 50% हाईवे पर रहा है तो 50% बहुत जैम पैक रोड रहा है ट्रैफिक में। XUV700 को लेकर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम पेट्रोल पंप सेम पंप में ऑटो कट तक भराएंगे, फिर देखते हैं कितना पेट्रोल वापस टैंक फिल करने में लिया और जो किलोमीटर ट्रिप भी में वो कितना था, तो टोटल किलोमीटर को टोटल लीटर से डिवाइड करेंगे और टैंक टू टैंक माइलेज का रिजल्ट मिलेगा। तो 19.11 लीटर का पेट्रोल भरा है, ट्रिप देखते कितना चला है। बी ट्रिप में 0 किया था तो 168.3 करेंगे, 168.3 प्लस 1 क्योंकि मैंने थोड़ा लेट रीसेट किया था उसको डिवाइड करेंगे 19.11 से, तो ये रहा रिजल्ट दोस्तों। 8.8 का एवरेज दिया है कार ने, जहाँ पे 50% हाईवे पे और 50% जैम पैक रोड में, ठीक एवरेज है। 8.8 इज़ नॉट दैट बैड। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।